हाय फ्रेंड नमस्ते मैं तो अशोक राज आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ मतलब पीसीसी मतलब क्या है बोल के आज हम लोग को डिस्कस करने लिए जा रहा हूँ मतलब हमारा जो चैनल पे क्या है सब कुछ हम लोग को मतलब इलेक्ट्रिकल के बारे में मैकेनिकल के बारे में फिर एच के बारे में सब सब के बारे में हम लोग को वीडियो डालते रहता हूँ लेकिन जो सिविल का बारे में कोई भी हम लोग को एक अभी तक कोई भी एक वीडियो हम लोग को डाला नहीं लगता है सो so, इसलिए आज मैं सिविल का बारे में कुछ डालने के लिए जो कोशिश किया आज इसलिए ये टॉपिक है ठीक है पीसीसी मतलब क्या है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट उसका शॉर्ट फॉर्म ही हम लोग को पीसीसी के हम लोग को ठीक है सो सी वो क्या है किधर हम लोग को यूज करता हूँ देखने से जो फ्लोरिंग रोड्स वॉल में हम लोग को जो पीसीसी को हम लोग यूज करता हूँ मतलब कॉलम स्लैब जो बीम जो किधर जो है जो बना रहा है वही जगह पे जो पीसीसी को नहीं यूज करता है ठीक है वो किस लिए बोल के मैं बोलता हूँ ठीक है पीसीसी मतलब क्या है जो बोला सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट एंड कोस एग्रीगेट इसका जो मिक्सिंग क्या है जो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब अब अब तो ज्यादा आदमी दो जो अब घर बना बनाने के टाइम में जो देखा होगा क्या करेगा जो सीमेंट फिर जो सैंड uh, है ना सैंड रिवर सैंड तो एम um, सैंड कोई भी ओके okay, सैंड जो एग्रीगेट छोटा छोटा पत्थर जो हो जाता है वो वो तीनों को मिक्सिंग करेगा इसका साथ अलावा कुछ ना कुछ पानी भी डाल देगा और डाल के ऐसा पीसीसी को बना बना देता है मतलब वो मिक्सिंग जो बना देता है वही मिक्सिंग को हम लोग को प्लेन सीमेंट मतलब इसमें स्टील कोई भी हम लोग को यूज नहीं करता हूं स्टील यूज करके जो सीमेंट ये मिक्सिंग ऐसा वाला मिक्सिंग को डालने से वो आर जाएगा सी मतलब सीमेंट uh, uh, उसका बारे में मैं अलग में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक पीसीसी मतलब कोई भी आप uh, आप uh, मान लीजिए आप एक घर स्टार्ट करने के लिए जा रहा है ठीक है आप क्या करेगा जो कुछ वो जमीन में जो कुछ आ, 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 क्या है जो साइल है वो को क्या करेगा जो निकाल के जो गड्ढा करेगा गड्ढा करने के बाद अब क्या करेगा उसमें एक लेयर का मिक्सिंग डाल देगा वो क्या ऐसा जो मैं बोला ना जो सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोस एग्रीगेट का जो मिक्सिंग है ना वो जो डालके हंड नहीं तो टू हंड्रेड एम ऐसा एक लेयर पूरा एक, एक पूरा एक लेयर जो करेगा इसलिए हम लोग को करता हूं वो करने के बाद आज मेरे को क्या क्या करेगा जो सरिया है ना जो स्टील है ना सरिया तो सरिया के लेकर के जो बांधेगा इसलिए ऐसा करता है जो स्टील का प्रोडक्शन के लिए वो लेयर पीसीसी लेयर जो बन जाता है इसी वही 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 वो एडवांटेज मतलब वो पीसीसी आप नहीं डाला सीधा जो आ, जो सरिया को बांध के वो सब कुछ कर रहे फिर बाद में जो सीमेंट मिक्सिंग डाल देते क्या हो जाएगा जो स्टील क्या हो जाएगा साहिल का साथ कांटेक्ट रहेगा साहिल का साथ कांटेक्ट रहने से क्या हो जाएगा जो स्टील है ना करोशन करोशन लग जाएगा फ्यूचर में करोशन लग जाएगा फिर बिल्डिंग तो वीक वीकनेस हो जाएगा इसलिए कोई भी स्टील बेसमेंट में जो स्टार्ट कर रहा है उस टाइम में क्या कर देगा ऐसा जो पीसीसी वाला क्या करेगा एक लेयर बन जाता है फिर उसका ऊपर में क्या सरिया को लगा के फिर बाद में कालम सब कुछ को आदमी लोग को बना है? थेके? इसलिए वो जो पीसीसी मतलब ये वन ऑफ द यूज है ज्यादा तो यूज रहता है मैं जो तो बोलता हूँ हम लोग को पीसीसी को, को, को यूज फिर उसका रेशियो सो so, रेशियो देखने से इसको देखो एम फाइव है, 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 uh, uh, है, है, है सब कुछ पीसीसी का रेशियो है मतलब इसमें यम मतलब क्या है जो यम मतलब क्या है मिक्स

दबाता है जो बाल को दबाता है दबाने के टाइम में जो स्ट्रेस उसमें वो एक फोर्स हो जाएगा वो क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो तोना तोनों का साइड पे आपका हाथ में आपका हाथ है जो हाथ का साथ में तोनो हाथ का साथ में आप बाल रख के जो पूरा दबा दो दबाने के टाइम में जो फोर्स एक हो जाता है ना वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो बालू आ, वो बालून रहो नहीं तो वो तो बाल रहने दो वो क्या है वो जो कंप्रेस करने का टाइम में जो दबाने का टाइम है कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई जगह तक को रुक सकता है बाद में क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा मतलब वो तो खराब हो जाएगा खराब हो जाएगा सेंस बढ़ जाएगा ठीक है क्यों नहीं उसका कम्प्रेसर स्ट्रेंथ उतना ही उसका छोड़ के उसका उसका ऊपर आप लोगों को फोर्स लगाने से वो बढ़ जाएगा ठीक है ऐसा ही जो पीसीसी के लिए एक कुछ ना कुछ फोर्स कुछ ना कुछ ना जो स्ट्रेंथ को जो रुकने का कुछ डिजाइन है उसका ऊपर में आप फोर्स देने से वो भी टूट जाएगा फ्रैक्शन मतलब क्रैक हो जाएगा ठीक है वही को डिनोट करने के लिए जो ये नंबर जो यूज़ करता है एम फाइव एम सेवन पॉइंट फाइव एम टेन टेन सब कुछ क्या है कंप्रसरी स्ट्रेंथ का जो मिक्सिंग मिक्सिंग है ठीक है फिर आएंगे जो वन पॉइंट वन इस्ट फाइव ईस्ट टेन वन इस्ट फोर इस्ट एट वन इस्ट थ्री इस्ट सिक्स वन इस्ट टू इस्ट फोर ये क्या है कुछ नहीं फर्स्ट वन इधर में जो है वन वन क्या करता है वन क्या डिनोट करता है जो सीमेंट uh, का जो डिनोट करता है फिर बाद में जो पाँच है वो पाँच किसको डिनोट करता है सैंड का डिनोट करता है दूसरा थर्ड नंबर है ना वो क्या है अग्रीगट को डिनोट करता है मतलब वन इज फाइव टेन मतलब कुछ नहीं एक एक गोरी एक गोरी का जो सीमेंट है आप यूज कर यूज कर यूज कर, करना चाहिए तो वो पांच गोरी का ठीक है पांच गोरी का सैंड यूज करना फिर दस गोरी का जो अग्रीकेट को यूज़ करके थोड़ा अलावा कुछ पानी को डाल के मिक्सिंग करना वही मिक्सिंग क्या है एम फाइव ऐसा वाला चीज़ सभी को मतलब एम ट्वेंटी फाइव आपको बनाना चाहिए तो वन टू वन इस्ट टू मतलब एक गोरी का सीमेंट एक गोरी का जो सैंड दो तो गोरीका जो अग्रिकेट तो मिक्सिंग करके पी सी सी बनाया तो वो क्या है एम ट्वेंटी फाइव मतलब वो ऐसा वाला मिक्सिंग करने के लिए जो ज़्यादा जो कांग्रेट मिक्सिंग रेडी मिक्स कॉन्ग्रेट है

पहले ये लेयर जो कर देगा बाद का इसका ऊपर में क्या करेगा जो सरिया को बना के फिर उसका ऊपर कांग्रेट डाल के फिर बीम कॉलम सब कुछ को बना देता है इसलिए जो आर को प्रोडक्ट करने के लिए पी हम लोग को चाहिए मतलब करना ही चाहिए तो वन ऑफ वन ऑफ द यूज है ज्यादा कुछ यूजेस है अलग दूसरा वीडियो में, में एक एक चीज का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जो बोला एक बलून नहीं तो फो, फोर्स ना फोर्स को ऐसा कुछ दबाना से जो कितना तक जो रुक सकता है विदाउट फ्रैक्चर वो क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट अंडर अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ए गिवन सॉलिड मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फ्रैक्चर ओके सो बस आज के लिए इतना ही पीसीसी मतलब क्या पी का रेशियो क्या है जो पी हम लोग को किस लिए हम लोग को यूज करना हो यूज करना चाहिए फिर पी का रेशियो फिर मतलब क्या है उसका साथ है मतलब सभी का बारे में हम so आज हम लोग को डिस्कस किया सो आज मेरे को लगता है कुछ ना कुछ सिविल के बारे में कुछ आइडिया मतलब पीसीसी के बारे में कुछ तो Uh, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया लगता है मेरे को लगता है आपको लगने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए जो कुछ सिविल uh, वाला पर्सन कुछ ये वीडियो को देखने से uh, कुछ ना कुछ मैं तो सभी इंफॉर्मेशन पीसीसी के बारे में कुछ uh, मतलब आउटलाइन में दिया मतलब इसका छोड़ के ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है टेक्निकल भी अवर्ध भी बोल सकता है लेकिन जो कुछ सिविल uh, का आदमी को छोड़ के uh, दूसरा जो आदमी है उसको समझाने के लिए मैं ऐसा जो अला क्या इन्फॉर्मेशन उसको मालूम होना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन उसको यूज उस हो जाएगा उसी के बारे में आज मैं डिस्कस किया है ठीक है बस थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एम कीप सपो, सपोर्टिंग आ, आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बस में कमेंट कीजिए थैंक यू बाय